अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं तैयब और आप देख रहे हैं तैयब डीटीआई ट्रिक्स। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आप सब लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि आप 2 फीट डिश पर 11 सेट को कैसे सेट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को दोबारा ना भूलें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम T10 लीग और जो दूसरे मैचेस वगैरह हैं वो कैसे देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ सेट पर आपको कुछ स्पोर्ट्स चैनल देखने को मिलते हैं जो कि बिल्कुल FTA चल रहे हैं। तो वो कितने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले डिश सेटिंग देख लेते हैं। ये सबसे पहले मैं आपको डिश सेटिंग दिखा रहा हूँ फ्रंट से। LNB की पोजिशन को मैं क्लोज़ कर रहा हूँ आपके सामने। ये LNB की पोजिशन रखनी है आपने। 2 फीट का डिश है और डिश को ऊपर या नीचे कितना करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो ये देखें जी, डिश के पीछे आ चुके हैं हम। यहाँ पर हमारी NSS 6 सेट होती है, ये देखें 95 डिग्री ईस्ट, और यहाँ पर हमारी यह सेट होती है। तो हमने 95 डिग्री ईस्ट से तकरीबन आधा इंच आपने कर लें, अगर आधा इंच आपने रॉड बाहर निकालना है और आपके पास यह सेट सेट हो जाएगी। ठीक है जी, ये देखें आपके सामने। तो मैं दोबारा से आपको दिखा रहा हूँ, ये आप देख लें। ठीक है जी, क्योंकि T10 लीग चल रही है और काफ़ी सारे व्यूअर्स को T10 देखनी है, क्योंकि क्रिकेट लवर है सारे। तो अब मैं आपको ले चलता हूँ टी स्क्रीन की तरफ और उस पर आपको मैं इसकी चैनल लिस्ट दिखाऊंगा। तो जी फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं टी स्क्रीन की तरफ और अब हम अपनी सैटेलाइट को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ सेट मैंने सेट कर दी है, पोर्ट भी दे दी, और आप देखते हैं जैसे ही मैंने सैटेलाइट अपनी सेलेक्ट की है और मेरी डेजी पोर्ट ठीक थी, तो इस तरह ये जो आपके सामने ये स्ट्रॉन्ग फ्रिक्वेंसी नज़र आ रही है, मैं आपको दिखाता हूँ। 11881 वर्टिकल 27.5 इसकी स्ट्रॉन्ग TP है, और आप इस पर सिग्नल क्वालिटी भी देख सकते हैं कि मेरे पास कितने परसेंट सिग्नल रिसीव हो रहे हैं इस पर। तो अब मैं आपको इसके ऊपर चैनल दिखाऊंगा कि कौन कौन से चैनल इस पर वर्क कर रहे हैं। FTA स्पोर्ट्स के चैनल हैं सारे के सारे, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से हमें स्पोर्ट्स के चैनल देखने को मिलते हैं। तकरीबन 4 से 5 स्पोर्ट्स के चैनल आपको देखने को मिलेंगे इस पर, वो मैं आपको दिखाता हूँ। शुरू से मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले ये आपके सामने एक स्पोर्ट्स का चैनल चल रहा था, ये भी मैं दिखाऊँगा आपको। ये देखें, सबसे पहले आपके पास आया था RTA, ये एक हो गया। यहाँ पर आपको मैचेस देखने को मिल रहे थे, लेकिन इस टाइम शो लगा हुआ है, लाइव मैच नहीं आ रहा। अफगानिस्तान का मैच लगा हुआ था पहले इस पर। ये रहा RTA स्पोर्ट्स, इस पर रिपीट हो रहा है, 2 हो गए चैनल। ठीक है जी, इसके बाद आपको दूसरे चैनल दिखाता हूँ कौन कौन से। ये RTA स्पोर्ट्स है, उसके बाद जिस पर T10 लीग लगी हुई है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, टोल्ड, और ये 1HD 3, और ये चौथा चैनल आपके पास 1HD TV है। अब इस पर देखते हैं, चैनल शो नहीं कर रहा, इसे चैनल शो करेगा, मैं आपको इधर दिखाऊंगा। यहाँ पर T10 लीग हो रही थी, ये आप देख सकते हैं इसकी फ्रिक्वेंसी। और इसके बाद आपको देखने को मिलता है जी, वो भी चैनल मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, RTA स्पोर्ट्स, यहाँ पर भी आपको मैच लाइव देखने को मिलते हैं RTA स्पोर्ट्स पर। ये आपके सामने लाइव लगा हुआ है इसलिए ज़्यादा देर तक दिखा नहीं सकता। TP आप इसकी देख सकते हैं नीचे स्क्रीन पर। ठीक है जी, तकरीबन 4 जो मैं आपको पहले दिखा रही हूँ, 4-5 चैनल इस पर आपको
एफटी मिल रही है, लेकिन इस पर ये भी चल रहे हैं और भी इस पर कुछ नए चैनल ऐड हुए हैं, दिलबर टीवी है और भी। मैं आपको जो चैनल नहीं चल रहा था उस पर टी टेन लीग लगी हुई थी वो भी मैं आपको चेक करवाता हूँ। स्कैनिंग मैंने आप एटीएन एचडी है आप देख लें, शमशार टीवी, रिसीवर जरा गो टू वाला है लेकिन टाइम लगता है चैनल स्टार्ट होने में। इस पर आपको टी टेन लीग मिलेगी देखने को और जो बाकी ये जो स्पोर्ट्स के चैनल है वो आपको दिखा चुका हूँ, दो ऊपर तीन और चार स्पोर्ट्स के चैनल तकरीबन आपके पास मिलते हैं सैटेलाइट पर। आप 2 फीट पर इसको इजीली सेट कर सकते हैं तो इस पर कोई मसला नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।